क्या वाकई ईरान इसराइल पर हमला करने वाला है? फिलहाल अमेरिका ने तो जल्द ही ऐसा होने के संकेत दिए हैं। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला कर सकता है। हालांकि जब बाइडेन से पूछा गया कि इस समय ईरान के लिए उनका क्या संदेश है, तो बाइडेन ने कहा, ऐसा मत करो, यानी हमला मत करो। इसके बाद जब बाइडेन से सवाल किया गया कि क्या अमेरिकी कर्मचारी और संपत्ति खतरे में हैं, क्या अमेरिकी सैनिकों को भी खतरा है, इस पर बाइडेन ने कहा, हम इसराइल की रक्षा के लिए समर्पित हैं, हम इसराइल का समर्थन करेंगे, हम इसराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. हाल ही में इजराइल को ईरान की धमकी के बाद बाइडेन ने मजबूती से इजराइल का साथ देने का वादा किया था। ईरान और इजराइल के बीच हालिया तनाव की बात करें तो पिछले दिनों सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इजराइल को इसके नतीजे भुगतने होंगे। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि अगर ईरान अपनी जमीन से हमला करता है तो इजराइल भी ईरान पर हमला करेगा। इसराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान के सैन्य अधिकारियों को निशाना बना रहा है। उधर ईरान गजा और लेबनान में इसराइल से लड़ने वाले चरमपंथी समूहों का समर्थन करता है। ऐसे में गजा में इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। सीरिया में हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था, गजा में इजरायली शासन की नाकामी निश्चित रूप से जारी रहेगी और साथ ही ऐसे हताश प्रयास भी जारी रहेंगे जैसा कि उन्होंने सीरिया में किया है। निश्चित रूप से उन्हें इस कार्रवाई के लिए अंजाम भुगतना होगा। वे अपने ही जाल में फंस गए जिससे कोई बच नहीं सकता। ईरान के हमले के खतरे के बीच हाल ही में इजरायल का बड़ा बयान सामने आया था। उसने कहा था, हम सेना की विभिन्न क्षमताओं में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से तैयार हैं। ईरान के क्षेत्र से कोई भी हमला मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने और अपनी प्रॉक्सीज के पीछे छुपना बंद करने के ईरान के इरादे का ठोस सबूत होगा। हाल के महीनों में हमने अपनी आक्रामक क्षमताओं में सुधार किया है और हम जानते हैं कि जहां जरूरी हो वहां कैसे काम करना है। हमारे पास एक बहुस्तरीय रक्षा क्षमता है जिसने हजारों सफल अवरोधन के साथ युद्ध के दौरान खुद को साबित किया है। वैसे इसराइल पर ईरानी सहयोगियों द्वारा हमले किए ही जा रहे हैं, यमन, इराक और सीरिया से, और हमारी रक्षा प्रणाली इन खतरों को रोकती है। फिर भी हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से तैयार हैं और हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच अमेरिका ने इसराइल में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने इस अलर्ट में कहा है, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अगली सूचना तक ग्रेटर तेल अवीव, यरूशलम और बियर सेवा क्षेत्रों के बाहर व्यक्तिगत यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा भारत ने भी अपने लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीयों को अगली सूचना तक इसराइल या ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है।